हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 का थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्ति होने वाला है। जैसे ही स्टूडेंट एग्जाम देके बाहर निकलेंगे, हम लोग उनसे एग्जाम का रिव्यू लेने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है सबसे लास्ट वाला स्टूडेंट सबसे अच्छा रिव्यू देते हैं। धन्यवाद। कितना क्वेश्चन बना के आ रहे हैं? 107। कैसा रहा लेवल? इजी मोटेड हार्ड? आसान था। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया? आसान था क्वेश्चन क्या? हाँ, ज़्यादा आसान था। इतिहास से कितना क्वेश्चन होगा? हिस्ट्री से 5 सवाल रहा होगा। कैसा क्वेश्चन, कोई प्रश्न याद है इतिहास का? गेट हमको याद। हाँ, एक सवाल देखिए। अच्छा, ठीक है, संविधान से अनुच्छेद वाला क्वेश्चन था। अस्मिता से मतलब ऐसा क्वेश्चन? अच्छा, अस्मिता का आर्टिकल 17 से सवाल था। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ, एक महान्यायवादी सवाल। महान्यायवादी था। और कोई देखिए याद आ रहा है? अच्छा, करेंट अफेयर कितना प्रश्न होगा, किस ईयर का होगा? करेंट अफेयर 21 से सवाल आया था। 22 का नहीं था? नहीं, 22 से सवाल नहीं। 22 से सवाल नहीं था, ठीक है। सवाल नहीं था। अच्छा, नदी बांध से कोई क्वेश्चन था? नदी बांध, हाँ, नदी से बांध था सवाल। कैसा क्वेश्चन था? और दो सवाल था इससे। एक कोई महानदी के बारे में पूछा गया था, और एक सिंधु नदी का सहायक नदी था। सिंधु नदी का सहायक नदी। अच्छा, खेल कूद से प्रश्न था? खेल कूद से नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं। पुरस्कार से? हाँ, एक सवाल था, अमिताभ बच्चन को कोई दिया गया था पुरस्कार? अमिताभ बच्चन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। सवाल नहीं था, उनको मिला था, उसके बारे में पूछा गया। अच्छा, इसरो, डीआरडीओ, नासा, ऐसा कोई क्वेश्चन इससे रहा होगा शायद? याद नहीं, याद नहीं है। अच्छा, साइंस का कोई क्वेश्चन? साइंस का कितना क्वेश्चन होगा? साइंस का बायोलॉजी प्रश्न दिखे आपको? नहीं, बायोलॉजी नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री? देखिए, हो सकता होगा, याद नहीं आ रहा है, तेज में बनाया है। मैथ कैसा लगा आपको? मैथ कैलकुलेटिव था या करने? दो सवाल शायद नहीं बन सकता था, लेकिन एक सवाल बनाया है, एक सवाल छूट गया, बाकी सब बन रहा है। अच्छा, एडवांस ज्यादा था कि अरिथमेटिक? मतलब एडवांस कितना? एक सवाल एडवांस का था, साइक्लिक क्वाड्रेटर पूछा गया था उसके बारे में। अच्छा, अलजेब्रा कितना क्वेश्चन होगा? अलजेब्रा का सवाल एक दो सवाल रहा होगा। त्रिकोणमिति से ही प्रश्न था? हाँ, त्रिकोणमिति से साथ दो सवाल से एक सवाल। ठीक है, रीजनिंग कैसा लगा आपको? रीजनिंग ठीक था, सब बना सकता है। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट का कितना क्वेश्चन होगा? सीटिंग 5-7 सवाल रहा होगा। लेंदी था ही बनाने लायक था? नहीं, लेंदी सवाल बहुत ज्यादा था। कोडिंग डिकोडिंग का कितना प्रश्न होगा? कोडिंग डिकोडिंग से उसमें भी 5 रहा होगा सवाल, सब बन जाने वाला। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन? हाँ, दो सवाल था। ब्लड कैलेंडर से? हाँ, उससे भी दो सवाल था। ठीक है भैया, धन्यवाद। कितना क्वेश्चन बना के आ रहे हैं? क्वेश्चन बनाए हैं वही 70 को बनाए। आप 90 क्या? 90 आप आइए। कितना क्वेश्चन बना रखे आप लोग? 94। आप 75। कैसा लगा लेवल आप लोग का? इजी मोटेड था? ज्यादा कैलकुलेटिव था, मैथ्स और रीजनिंग में टाइम टेकन था, जीएस भी थोड़ा ट्रेंड से हटके है। अच्छा, मतलब कि जीके जीएस में कोई प्रश्न याद है आप लोग को, चाहे वो हिस्ट्री का हो? कॉन्स्टिट्यूशन से 3-4 शब्द आए थे कि संविधान से, संविधान से कि वो मतलब क्या बोलते हैं, जो जातिवाद है ना, अस्पृश्यता का उन्मूलन किससे किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, विरुद्ध अधिकार किसका है, शोषण का विरुद्ध अधिकार। तमिलनाडु से एक था, पोंगल किस देवता की पूजा के लिए की जाती है? कोई त्यौहार से क्वेश्चन था? त्यौहार से त्यौहार, यही पोंगल तो त्यौहार ही है। नदी बांध से कोई क्वेश्चन? एक वो था ना, सिंधु की सहायक नदी कौन नहीं है? कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी नहीं निकलती है? ऑप्शन था गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। करंट अफेयर कितना क्वेश्चन होगा, किस ईयर के? करंट अफेयर्स का मई जून के आसपास का, पिछले ईयर 2021 का, मई अगस्त हो सकता। 2022 का भी क्वेश्चन था? नहीं, 2021 सारा 2021 का भी क्वेश्चन था। बड़ी के जो थाना फ्लाइट क्वेश्चन से थोड़ी। अच्छा, कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन था क्या? कंप्यूटर से था, और थोड़ा अजीब अजीब चार कोई प्रश्न याद है? कंप्यूटर विंडो 10 का और स्विच का, और मतलब कैसे विंडो 10 का कैसे बंद किया जा सकता है, उसका ऐप जो है बंद कैसे किया जा सकता है? अच्छा, कोई फुल फॉर्म से क्वेश्चन था क्या? फुल फॉर्म से कोई ना क्वेश्चन नहीं था। किसी अंत से करेंसी वगैरह मुद्रा से? सर नहीं, मुद्रा करेंसी नहीं था। आरबीआई से क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा रन कर सकता है, वो आरबीआई एक था, मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी पंचवर्षीय इकोनॉमिक से? पंचवर्षीय से भी नहीं। जनगणना से खुद पिछले बार जनगणना भी नहीं पूछा? जनगणना से भी नहीं पूछा। अच्छा, कोई खेल कूद से क्वेश्चन बताइए। हाँ, एक हॉकी से आया था, हॉकी का इंटरनेशनल हॉकी से किसको मिला था? ओलंपिक खेल से क्वेश्चन था, ओलंपिक खेल से, कि मैरी कॉम के साथ साथ किसने ध्वजवाहक किया था, ध्वजवाहक किसने किया था? राज्य का लोकसभा सीट राज्य
लोकसभा विधानसभा या मुख्यमंत्री राज चला क्वेश्चन साइंस का कितना क्वेश्चन होगा साइंस में लगभग 7-8 क्वेश्चन छुआछूत वाला है ना आर्टिकल 17 इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स से पूछा था ये तो सार्वजनिक और निजी भागीदारी होता है वो कौन सा किसके अंतर्गत आता है। अच्छा बायोलॉजी का प्रश्न था बायोलॉजी से प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री से था एक नियॉन था केमिस्ट्री का क्वेश्चन था अच्छा कौन सा निष्क्रिय गैस है ठीक है। अच्छा सूचकांक में मतलब इंडेक्स से कोई क्वेश्चन था इंडेक्स का नंबर ऐसा कोई क्वेश्चन इंडेक्स से क्वेश्चन था उसमें पूछा था याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है हाँ और कोई क्वेश्चन प्रश्न याद आ रहा क्या पॉलिटिकल से या इकोनॉमिक्स या कोई भी मतलब हिस्ट्री वगैरह हिस्ट्री से तो क्वेश्चन अच्छा खासा था। अच्छा हाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन था। अच्छा बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन था किताब का क्वेश्चन बुक एंड ऑथर हाँ एक था एक क्वेश्चन था कैसा कोई क्वेश्चन याद है क्वेश्चन तो याद नहीं है। मैथ कैसा लगा आपको मैथ हार्ड था कैलकुलेटिव मैथ था नहीं वो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम ज्यादा लग रहा था। SICI ये सब का क्वेश्चन था हाँ SICI से क्वेश्चन था ये भी हार्ड था। अच्छा LCM SCM का प्रश्न थे एक था LCM SCM प्रश्न थी परसेंटेज वगैरह परसेंटेज था रेशियो वगैरह CISI का क्वेश्चन था एक कि 10 वर्ष में 13/8 गुना हो जाती है। अच्छा ठीक है हाँ रीजनिंग 5 क्वेश्चन हार्ड था बाकी तो ठीक था। सीटिंग अरेंजमेंट कितना क्वेश्चन होगा सीटिंग अरेंजमेंट का लगभग 7 क्वेश्चन था। पजल से भी क्वेश्चन था हाँ पजल से 4 क्वेश्चन लेंदी था ये सब की बनाने लायक था कुछ को आधा क्वेश्चन उसमें लेंदी था और आधा बनने लायक था। अच्छा ठीक है कोडिंग डिकोडिंग के कितना प्रश्न होगा दो क्वेश्चन एक में वो कथन निष्कर्ष में था और एक नॉर्मल था। अच्छा मतलब ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था हाँ ब्लड रिलेशन का टफ क्वेश्चन था। अच्छा डाइस पासा से क्वेश्चन था पासा नहीं कैलेंडर क्लॉक हाँ कैलेंडर से दो क्वेश्चन था ठीक है। और बात करें रीजनिंग में ही तो मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट तो बता दिए आप कितना क्वेश्चन बना के आ रहे हैं 79 कैसा लगा लेवल आपको थोड़ा देर में बता रहे भैया रुकिए हम आपको क्वेश्चन ही बता अच्छा क्वेश्चन बताइए देखिए क्वेश्चन है तो जी और मतलब कि रीजनिंग का ही बताइए तो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था नहीं ठीक है। अच्छा मिरर इमेज वाटर इमेज कोई प्रश्न याद आ रहा और देखिए जीके का सब यार आ रहा है एक मिनट में बता। अच्छा ठीक है बताइए आप कितना प्रश्न बना के आ रहे हैं 80 पर कैसा लगा आपको लेवल लेवल ठीक है सर ठीक ठाक था। हाँ एक क्वेश्चन था ये कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 था तो उसमें मेरी कॉम के साथ कौन था ध्वजभाग कौन था हाँ ध्वजभाग कौन था ये था कि 26 जनवरी 2022 को जो लड़ाकू विमान जो लड़ाकू विमान था उसमें कौन उड़ाया था उसको अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में।